Hey everyone, you all are most welcome guys. और कल मैंने DGT PGT के लिए मिक्स्ड क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे और मैंने प्लान किया कि मैं डेली 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल वाला जो मैंने आपके साथ वीडियो जो मैंने आपको यूट्यूब पर अपलोड किया था उसमें दो मिस्टेक्स थी। एक तो मिस्टेक थी दोस्तों नाइटहुड वाली कि गार्ल्स वर्दी ने नाइटहुड के लिए कब रिफ्यूज किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है 1917, ठीक है 1917। और एक दूसरी दोस्तों सिली मिस्टेक थी, वो थी कि 24 लाइंस नहीं है डॉवर बीच में, 37 लाइंस है आपके डॉवर बीच पोयम में। ये याद रखिएगा, डॉवो बीच जो आपकी पोयम है मैथ्यू अर्नोल्ड की, DOVER NBEACH, और नाइटहुड गाइज जिसके लिए रिफ्यूज किया था आपके जॉन गाल्सवर्दी ने 1917 इज द टाइम पीरियड। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर ऐसी कोई मिस्टेक होगी तो समझ लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी और ऑलवेज आपके सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कर दूंगा। दोस्तों मैं हूं AKS राजवीर लिटरेचर लवर्स यूट्यूब से। एवरी डे दोस्तों मैंने प्लान किया है कि आपको मैं फ्री क्लास प्रोवाइड करूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, और ये जो दोस्तों क्लास आएगी 8 या 9 PM पर आएगी, शाम को आएगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, लाइव नहीं होगी। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि 7 PM अनअकैडमी पर भी मैं फ्री क्लासेस लेता हूं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। UGC नेट एस्पिरेंट है तो अनअकैडमी पर मेरे UGC नेट इंग्लिश के कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ के लिए दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10,125 रुपीज पे करना है आफ्टर यूजिंग कोड AKS राजवीर, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप TGT PGT एस्पिरेंट हैं तो TGT PGT एस्पिरेंट के लिए दोस्तों एक ही काम करना है आपको, और वो करना है ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है 9125090515। इस नंबर पर आप मुझसे मैसेज करके पेड कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। TGT PGT की क्लासेस अनअकैडमी पर नहीं, YouTube प्राइवेट क्लासेस चलती हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विलियम वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरिएट इन। तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट कब बने, 1813 में, 1830 में, 1840 में या 1843 में, कब बने? दोस्तों राइट आंसर है इसका 1843 में। दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे आपके वो पोएट लॉरिएट बने। दोस्तों बात आपको ये याद रखना है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये 1798 से लेकर के गाइस जो आपकी यू नो रोमांटिक एरा है, सो 1837 तक दोस्तों चलता है रोमांटिक एरा। विलियम वर्ड्सवर्थ, यहां पर नोटेबल बात ये है कि ये विक्टोरियन इंग्लैंड था, विक्टोरियन टाइम पीरियड में विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने थे। कहां के दोस्तों? इंग्लैंड के। पोएट लॉरिएट का बेसिकली दोस्तों काम क्या होता है कि वो राजाओं के लिए लिखते हैं, जो किंग होते हैं, यस उनके लिए लिखते हैं। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे पोएट लॉरिएट थे, ही वाज अ पोएट लॉरिएट, कि जिन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखी। ये पहली बात है दोस्तों जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। और दोस्तों आपको यह भी याद रखने की जरूरत है, 1843 में ये बने थे पोएट लॉरिएट, और 1850 में दोस्तों इनकी डेथ हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। और विलियम वर्ड्सवर्थ जब पोएट लॉरिएट बने थे दोस्तों, उस समय आप समझ लीजिए कि बहुत कोई अच्छा पोएटिक कंपोजिशन नहीं कर रहे थे गाइस। एट दैट टाइम यू कैन से गाइस कि ये इनका डिक्लाइनिंग टाइम पीरियड था, कि जब इनका जो पोएटिक टैलेंट था वो खत्म था। 1813 तक दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को कंपोज किया, इसके बाद काफी स्टॉप लग गया था इनके कंपोजिशन पर। दूसरा क्वेश्चन है, हु बिकम पोएट लॉरिएट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरिएट कौन बना? T.S. एलियट, सैमुअल टेलर कॉलब्रिज, टेनिशन और रॉबर्ट सदी। आंसर दोस्तों आपको करना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना। देखिए इस आंसर को लाने के लिए दोस्तों आप बहुत रिजनेबल चीजों को लगा सकते हैं। वैसे रॉबर्ट सदे की बात की जाए तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, रॉबर्ट सदे के बाद ही पोएट लॉरिएट बने थे। टेनिशन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो टेनिशन विक्टोरियन इंग्लैंड के हैं, और ये इनका काफी अच्छा टाइम पीरियड था जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई 1850 के टाइम पीरियड में। उस समय टेनिशन ने दोस्तों इसी सेम ईयर में एक वर्क लिखा था, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, और ये क्वीन को काफी MEMORIUM, सो ये क्वीन को काफी पसंद आया था, क्वीन एलिजाबेथ को, 1850 का वर्क।
और दोस्तों इसके बाद अगर कॉलरिज की बात की जाए तो कॉलरिज का इस टाइम पीरियड में कोई रोल नहीं था, ही वॉज डाइड। टी एस एलियट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो टी एस एलियट मॉडर्न टाइम पीरियड के हैं दोस्तों, और टी एस एलियट का तो इस टाइम पीरियड में बर्थ भी नहीं हुआ था, ऑन डेथ ड्यूरिंग द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सो दोस्तों आंसर यहां पर रीजन से अगर हम लाएं तो आंसर हमें सिंपली मिल जाता है कि वो कौन थे जो पोएट लॉरिएट बने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन गाइज, 1850 में आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। एक चीज दोस्तों जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पर मैंने आपको प्रोवाइड की है कंप्लीट लिस्ट पोएट लॉरिएट्स की, जिसमें से अगर अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट्स की मैं बात करूं तो अनऑफिशियल में दोस्तों हैं आपके बेन जॉनसन और विलियम डी एवेनेंट, ये दो आपके अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट हैं। फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट दोस्तों तो आंसर है बेन जॉनसन, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट तो आंसर है दोस्तों जॉन ड्राइडन। थोड़ा क्लियर कम दिख रहा होगा, स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी कीजिए। इसमें से दोस्तों जैसे थॉमस शैडवेल, नोहम टेट एंड ऑल दोस्तों ये हैं जो पोएट लॉरिएट बने, फिर इसके बाद निकोलस रो, लॉरेंस ह्यूस्टन, कॉलिस सीबर, विलियम व्हाइटहेड, थॉमस वाटन, हेनरी जेम्स डाय, रॉबर्ट सदे। रॉबर्ट सदे के बाद दोस्तों आपको बता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ बने, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और इसके बाद अल्फ्रेड ऑस्टिन बने, रॉबर्ट बिस ब्रिस दोस्तों, इसके बाद जॉन मैक्सफील्ड, सेसिल डे लेविस एंड यस गाइस जॉन यस बेंजामिन एंड टेड ह्यूग, एंड्रयू मोशन एंड कैरल एंड डफी। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि 2009 के बाद कैरल एंड डफी और एक और पोएट लॉरिएट है लास्ट वाले, मुझे याद नहीं। सो दोस्तों ये है पोएट लॉरिएट की कंप्लीट लिस्ट जो यूके के पोएट लॉरिएट बने, और आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेयर वर्ड्स वर स्पिरिचुअलाइज्ड एंड शैली इंटेलेक्चुअलाइज नेचर, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने नेचर में स्पिरिचुअलिज्म देखा, शैली ने इंटेलेक्चुअल चीजें देखी। कीट्स इज कंटेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंसेस, और कीट्स ने क्या किया, नेचर को एक्सप्रेस किया सेंसेस के थ्रू। ये किसका कमेंट है, ये स्वीनबर्न का कमेंट है दोस्तों, या फिर जॉन हैमिल्टन का है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है, या फिर कैम्पटन रिकेट का है। करेक्ट आंसर चूज कीजिए और लिख दीजिए दोस्तों। एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बहुत छोटा भी है बड़ा भी है, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा 100%। और दूसरी चीज दोस्तों, एक और चीज मैं आपको कहूं, शेयर जरूर कीजिएगा एटलीस्ट अपने किसी फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर या फेसबुक पर दोस्तों, और मुझे जरूर टैग कीजिएगा AKS राजवीर, मैं आपके पेज को जरूर विजिट करूंगा। दोस्तों शेयरिंग इज केयरिंग, आपको डेली अगर टेस्ट सीरीज ऐसी चाहिए तो शेयर कीजिए धुआंधार, और लीजिए दोस्तों बेहतर टेस्ट सीरीज AKS राजवीर के साथ। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका कैम्पटन रिकेट, कैम्पटन रिकेट इज करेक्ट वन आंसर एज यू कैन सी गाइस, कैम्पटन रिकेट जिन्होंने कहा कि कीट्स खुश थे किस चीज के साथ, कि वो सेंसेस के थ्रू, और सेंसेस के थ्रू गए जिन्होंने नेचर को फील कर रहे थे और वही एक्सप्रेस कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द पोएट्री ऑफ जॉन कीट्स, सो मच सो दैट ही नेम्ड वन ऑफ हिज नॉवल विद अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ हिज पोएम्स ऑफ कीट्स, व्हिच पोएम वाज इट, ओड टू अ नाइटिंगल, ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू ऑटम, और ओड टू शाइकी। कौन सी ऐसी पोएम है जिससे एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड ने अपने एक नॉवल का टाइटल डिराइव किया है जॉन कीट्स की पोएम से। आंसर है दोस्तों इसका ओड टू अ नाइटिंगल, और टाइटल है एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड के उस नॉवल का टेंडर इज द नाइट, 1934 में दोस्तों ये ऐसे आया था, एंड यस लास्ट नॉवल है जिसका टाइटल ओड टू नाइटिंगल से लिया है एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच पोएम इज द शॉर्टेस्ट ऑफ कीट्स ओड्स ऑफ 1810, कौन सी ऐसी पोयम है कीट्स की जो सबसे ज्यादा छोटी है जिनको कीट्स ने कंपोज किया 1819 के टाइम पीरियड में, ओड टू शाइकी, ओड टू मेलंकली, ओड टू ऑटम, और ओड ऑन इंडोलेंस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का ओड टू मेलंकली। दोस्तों इनमें से जो सारी पोयम है इनमें से ओड टू मेलंकली बहुत ही शॉर्ट पोयम है इन कंपेरिजन टू अदर थ्री पोयम्स गाइज, यस। और ये पोयम 1819 यानी कि सारी पोयम्स 1819 में ही आई थी, कुछ 1820 में गाइस पब्लिश हुई थी।
ओनली एंड ओनली थ्री स्टेंजा है ओड टू मेलंकली की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ओनली एंड ओनली थ्री स्टेंजाज हैं ओड टू मेलंकली में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाई जॉन कीट्स? ओडिसी, इलियाड, एनीड और वोल्गेट गाइड। सो प्लीज करेक्ट आंसर जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत सुपर भी दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसे ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों एनीड। एनीड को जॉन कीट्स ने ट्रांसलेट किया। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जॉन कीट्स हेलेनिस्टिक पोएट कंसीडर किए जाते हैं, HELLEN, यस हेलेनिस्टिक, NISTIC, हेलेनिस्टिक पोएट। हेलेनिस्टिक जो ग्रीक आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और ब्यूटी को पसंद करता हो गाइस, दैट इज नोन एज हेलेनिस्टिक। जॉन कीट्स पोएट ऑफ ब्यूटी, पोएट ऑफ सेंसुअसनेस एंड हेलेनिस्टिक पोएट, लवर ऑफ आर्ट, बहुत ही गाइस अच्छे पोएट कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाई कीट्स कंटेन अ पोएम हाइपीरियन? फर्स्ट वॉल्यूम इट वॉज, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम और फोर्थ वॉल्यूम? करेक्ट आंसर दोस्तों हाइपीरियन जो पोएम है जॉन कीट्स की, वो किस वॉल्यूम में है? विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाई कीट्स कंटेन अ पोएम हाइपीरियन? करेक्ट आंसर है दोस्तों थर्ड वॉल्यूम। जो आपकी ये पोएम है हाइपीरियन 1820 के टाइम पीरियड में आई थी दोस्तों, और 1820 के थर्ड वॉल्यूम में दोस्तों कंटेंड है, जिसमें लाइमिया, हाइपीरियन और कुछ अदर पोएम्स को पब्लिश्ड किया था। दोस्तों हाइपीरियन की अगर बात करें तो ये एक अबेंडन्ड इपिक, अनफिनिश्ड इपिक कंसीडर किया जाता है, जिसको जॉन कीट्स कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और ये बेस्ड है दोस्तों टाइटनोमैसिया एंड टेल्स द डिस्पेयर ऑफ टाइटन्स, यानी टाइटन्स और ओलंपियन गॉड पर बेस्ड है ये वर्क हाइपीरियन, याद रखिएगा दोस्तों। और एक इसका अगला पार्ट है फॉल ऑफ हाइपीरियन, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच पोएम टेनिसन कमेमोरेट हिज फ्रेंड आर्थर हैलम, द प्रिंसेस, इनोक अर्डन, इन मेमोरियम और यूलिसिस? दोस्तों बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही इजी आंसर है, करेक्ट आंसर है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम दोस्तों कब आई? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई उसी ईयर में, और इसी ईयर में चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क आया था डेविड कॉपरफील्ड, और इसी पोएम में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने दोस्तों अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम को याद किया है, और ये एक पास्टोरल एलिजी कंसीडर की जाती है दोस्तों इन मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हैलम। आर्थर हेनरी हैलम जो दोस्तों इनकी सिस्टर थी एमली, सो एमली के साथ ऑलरेडी इंगेज्ड थे, और लेटर ऑन दोस्तों इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हॉरिस वॉलपोल एंड एन रैडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर ऑफ एपिस्लरी नॉवल, गोथिक नॉवल, बिल्डुंग रोमा और रोमांटिक नॉवल्स? दोस्तों करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है? हॉरिस वॉलपोल आपके लिए बहुत ही अच्छा गाइड, यू नो कि सिंपली आपके लिए एक क्लू है, करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका गोथिक नॉवल। दोस्तों फादर ऑफ गोथिक नॉवल हॉरिस वॉलपोल कंसीडर किए जाते हैं। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल अगर बात करूं तो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल वॉल्टर स्कॉट कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों एपिस्लरी नॉवल क्या होती है? एपिस्लरी नॉवल जो लेटर फॉर्म में लिखी, जैसे फ्रैंकेंस्टाइन मैरी शैली का जो लेटर फॉर्म में लिखा हुआ है दोस्तों, यस, जहां पर अगर आप देखें दोस्तों तो एक भाई अपनी सिस्टर के लिए लेटर लिखता और उसी लेटर में पूरी इंटायर स्टोरी को नैरेट करता है। दोस्तों पहला इंग्लिश नॉवल जिसे कंसीडर करते हैं वो है पामेला। पामेला जिसको लिखा है दोस्तों रिचार्डसन ने, RICHARDSON रिचार्डसन ने लिखा है, और ये दोस्तों एक एपिस्लरी नॉवल है, याद रखने की जरूरत है एपिस्लरी नॉवल। गोथिक नॉवल क्या होते हैं दोस्तों? जहां पर हॉरर एंड ऑल, कासल, डंजन्स एंड ऑल के बारे में दोस्तों जिक्र मिलेगा, घोस्ट एंड ऑल मिलेंगे, दैट इज नोन एज गोथिक नॉवल। वॉलपोल एंड रैनक्लिफ एंड यू नो मैथ्यू ग्रेगरी लेविस, तो ये गोथिक नॉवलिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। इवन मैरी शैली का फ्रैंकेंस्टाइन भी गोथिक नॉवल के अंडर कंसीडर किया जाता है। दोस्तों मैंने कहा है कि फ्रैंकेंस्टाइन जो मैरी शैली ने लिखा ये एक एपिस्लरी नॉवल भी है, गोथिक नॉवल भी है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट आपको मिलते हैं, तो एक नॉवल में एक से यू नो मोर देन वन जानरा मिल सकते हैं आपको, इस बात को याद रखिएगा। बिल्डुंग रोमा, दोस्तों बिल्डुंग रोमा जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट्री नॉवल, डेवलपमेंट्री नॉवल या फिर कमिंग ऑफ एज नॉवल बोला जाता है।
जैसे डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का कमिंग ऑफ एज नॉवेल है, क्योंकि यहां पर कैरेक्टर का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। रोमांटिक नॉवेल दोस्तों जहां पर स्टोरीज हो, जैसे वुदरिंग हाइट्स को आप रोमांटिक नॉवेल और गोथिक नॉवेल दोनों कंसीडर करते हैं, वुदरिंग हाइट्स, या फिर दोस्तों अदर प्लेस जहां पर आपको रोमांस बिटवीन लवर्स एंड बिलवड मिल जाए, सो दैट इज नोन एज रोमांटिक नॉवेल। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, अ पोयम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज इज लिरिक, बैलेड, ओड और हाइकू गाइस। सो बस समझ लीजिए करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका कौन सा, करेक्ट आंसर है हाइकू दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है। बेसिकली अगर हाइकू की बात करूं तो ये एक जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री है, और दोस्तों हाइकू में तीन लाइंस होती हैं, यस, और अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें ऐसा पैटर्न फॉलो किया जाता है 5 + 7 + 5 यानी कि इक्वल टू 17, सो 17 सिलेबल होते हैं दोस्तों एक हाइकू में, यस, और 3 लाइंस मोस्ट प्रोबेबली होती हैं। एजरा पाउंड की इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो, इन अ स्टेशन STATION ऑफ मेट्रो गाइड, ये एक हाइकू कंसीडर किया जाता है, और हाइकू को याद रखिएगा 17 सिलेबल होते हैं, 3 लाइंस होती हैं, जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री है हाइकू दोस्तों। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, एवरीडे मैं आपके साथ 10 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, और मेरे साथ आप बने रहिएगा। अगर आपको चाहिए दोस्तों कोर्सेस यूजीसी नेट के, टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी के, जो नंबर है आपकी स्क्रीन पर, इस पर जस्ट व्हाट्सएप कीजिए और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नया बैच दोस्तों यूजीसी नेट का चल रहा है, टीजीटी पीजीटी के भी बैच चल रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों मैं यूट्यूब पर प्राइवेट क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, और यूजीसी नेट के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों मैं आपको टीच करता हूं। तो दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं, और ये है सब्सक्रिप्शन के टाइप, 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। एक चीज और दोस्तों मैं लास्ट में आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज, कि इस चैनल को अगर आपको लगा कि आपके लिए हेल्पफुल कुछ मिला है तो इस चैनल को 100% सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी इस चैनल पर लाइए, वो भी नॉलेज पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों जो लाल वाला जो दोस्तों वो है सब्सक्राइब वाला, उसे रेड से ब्लैक हो जाना चाहिए, सो दैट, और बेल आइकॉन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, अपकमिंग वीडियो आपको फटाफट मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, और आप इंजॉय कीजिए, बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।